सो हे गाइस, दिस इज अर्चुरी। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड योर टिप्स। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे फिफ्थ लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। तो दोस्तों क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? दोस्तों क्रिस्टल लैटिस हमारा थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। जैसे दोस्तों हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या पढ़ा था दोस्तों कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया कहाँ होते हैं, क्या वो वन डायमेंशन में होते हैं, क्या वो टू डायमेंशन में होते हैं, क्या वो थ्री डायमेंशन में होते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्री डायमेंशनल में अरेंज है रेगुलरली तो उनको उस सिस्टम को कहते हैं लैटिस, और उसको कहते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है आइडेंटिकल पॉइंट्स का। क्या है? आइडेंटिकल पॉइंट्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है जिसमें आइडेंटिकल पॉइंट्स क्या दर्शाते हैं? कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को, उसको हम कहते हैं पूरे को क्रिस्टल लैटिस। तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है आइडेंटिकल पॉइंट्स का जिसके अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं क्या, कैसे हमारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अरेंज है क्रिस्टल के अंदर। तो ये हमारा थ्री डायमेंशनल लैटिस दोस्तों। इसमें जो ये क्रिस्टल लैटिस है दोस्तों पूरा, और ये जो सर्कल है इस ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को दर्शाते हैं। ये सारे आइडेंटिकल है दोस्तों। ये जो सर्कल है ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, इसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। और ये लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट एक लैटिस पॉइंट दूसरे लैटिस पॉइंट से कनेक्टेड है, और ये बाय अ स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से जॉइंट है, और ये पूरी ये सारी लाइन एक दूसरे में मिलके पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बनाती है। तो दोस्तों हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है जो है, ये हर एक पॉइंट है ना, ये इसको कहते हैं लैटिस पॉइंट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट दर्शाता क्या है? ये लैटिस पॉइंट दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। दोस्तों ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, वन मार्क में पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। तो आपको लिखना है कि लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्या है? लैटिस पॉइंट किसको दर्शाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि ये लैटिस पॉइंट जो है एक दूसरे से जॉइंट है बाय अ स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट इससे जॉइंट है बाय स्ट्रेट लाइन, ये वाला पॉइंट इससे जॉइंट है बाय स्ट्रेट लाइन, इससे भी जॉइंट है। तो लैटिस पॉइंट आर जॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड मेक द एंड ब्रिंग आउट द होल ज्योमेट्री। ऐसे एक दूसरे से जुड़ के पूरी ज्योमेट्री को बनाते हैं। तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टल लैटिस की। दोस्तों हमें सेवन टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे हैं जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। उससे पहले हम इसकी एक टर्म को कर लेते हैं, यूनिट सेल। दोस्तों अब जो हमारे जितने भी लेक्चर होंगे सारे यूनिट सेल पे होंगे, हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे पूरा। आज हमारा क्रिस्टल लैटिस और बेसिक्स ऑफ यूनिट सेल रहेगा। अगले लेक्चर में ब्रावियस सेल पढ़ेंगे हम, उसके बाद यूनिट सेल की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लो, वरना पीडीएफ में आपको नोट्स मैं दे दूंगा। दोस्तों अब हमें पढ़ना है यूनिट सेल क्या होता है। दोस्तों मैं यूसी से डिनोट करूंगा यूनिट सेल को और सीएल से क्रिस्टल लैटिस को। तो हमारा यूसी क्या होता है, मतलब यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट पोर्शन of the crystal lattice which repeat itself in all direction to generate the whole lattice।
यूनिट सेल क्या होता है दोस्तों? यूनिट सेल हमारा स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का, स्मॉलेस्ट पोर्शन है हमारे क्रिस्टल लैटिस का, जो अपने आप को रिपीट करता है सारी डायरेक्शन में और ब्रिंग पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बना देता है। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये हमारा पूरा क्रिस्टल लैटिस है, इसमें जो ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है दोस्तों, ये 2D बोर्ड है तो सिर्फ आपको आगे का पोर्शन दिखेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे आपको पूरा समझ आए। ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है ना इस पूरे 3D क्रिस्टल लैटिस का, ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है इसको कहते हैं यूनिट सेल। ये यूनिट सेल ये है, ये 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 सब एक दूसरे में रिपीट होके पूरा एक क्रिस्टल लैटिस को बना रहे हैं। तो यूनिट सेल क्या हुआ? अ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीट इटसेल्फ, जो रिपीट कर रहा है अपने आप को ऑल डायरेक्शन में टू ब्रिंग आउट द होल क्रिस्टल। तो ये हमारा यूनिट सेल दोस्तों। हमारा जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल की जो पैरामीटर्स है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, दोस्तों पैरामीटर से पहले हमें एक बात पढ़नी है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लेते हैं। यूनिट सेल इज द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी यूनिट सेल इज द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। दोस्तों जो हमारा यूनिट सेल है एक क्या है? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है क्रिस्टल लैटिस की। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का, इसको जरूर नोट कर ले दोस्तों। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट का जरूर नोट कर ले दोस्तों। यूनिट सेल क्या है? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है। मतलब आपके साथ ऑप्शन आ जाए यूनिट सेल या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, यूनिट सेल इज द डैश प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि अब CBSE ने फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे इस बार आ सकता है। तो यूनिट सेल इज द डैश प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, या फिर यूनिट सेल इज द प्रॉपर्टी, नीचे आपको ऑप्शन आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल। तो ये याद रखना है यूनिट सेल क्या है? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है क्रिस्टल लैटिस की। तो हम इसके पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल तो पैरामीटर दोस्तों दो है, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो पैरामीटर हमारे दो है दोस्तों, एक्सियल एजेस एक्सियल एंगल। जो इसमें एक्सियल एजेस होंगी दोस्तों वो होंगी ABC, जो एक्सियल एंगल होंगे अल्फा बीटा और गामा। जैसे मैं आपको बताता हूं,
दोस्तों जैसे ये जो साइड है ना आपकी, ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, ये एंगल हो गया अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो इस तरह से आपके दो पैरामीटर्स होंगे आपके, एक्सियल एजेस, एक्सियल एंगल। अगर आप 3 मार्क्स में अगर यूनिट सेल के बारे में पूछा जाता है, तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। पैरामीटर्स क्या होंगे? एक्सियल एजेस, एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एजेस होंगी 3 ABC, एक्सियल एंगल भी होंगे आपके 3 अल्फा बीटा गामा। दोस्तों जो हमारा एक्सियल एंगल्स और एक्सियल एजेस है, इसके बेसिस पे हम ये ब्राविस सेल या फिर क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे 7 टाइप्स के। उन 7 टाइप्स में हमें पता चलेगा कि किस किस कितनी कितनी आपके एंगल्स, एक्सियल एंगल्स, और कितने कितने आपके एक्सियल साइड्स हैं, मतलब इक्वल, कौन से इक्वल है, कौन सा अनइक्वल है। तो अगले लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लेक्चर में दोस्तों यही है हमारा। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल आपको पता है स्मॉलेस्ट पोर्शन है एक पूरे क्रिस्टल लैटिस का। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉइंट का, लैटिस पॉइंट का? लैटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 टाइप्स के यूनिट सेल आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्राविस सेल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें उसमें से एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, हेक्सागोनल और मोनोगोनल के अंदर डिफरेंशिएशन, उसको भी वहां से हम स्टडी करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में बताया था। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से चेक कर लीजिए। और वहां से वीडियो जरूर देखें पूरी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करें, और क्लास 12th के बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो उसके। और अगर आपको केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, या मेरे को इंस्टाग्राम पर DM करें, मैं आपको within 12 hours रिप्लाई करके दे दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, बी हैप्पी, स्टे सेम, थैंक यू दोस्तों।